एक टाइम ऐसा होता था जब सीरिया लियोन जो कंट्री है ना उसके अंदर सबसे ज्यादा डायमंड निकलता था। 5-6 फुट बाहर सामान निकला हुआ है और फिर भी भाई और सामान डाले जा रहा है इसके अंदर। बैग उठाकर भाग जाते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा लेकर कहाँ जा रहे हैं बैग। काफी ज्यादा झगड़ा हो गया, कहता है तुम ये कैसे वैसे। मैंने कहा भाई यार चुप कर, मैं कहा तुम पैसे के लिए रोकते हो हमें। भाई ये जो सामने आपको स्पीकर दिख रहा है ना, ये यहाँ पर लाकर चाइना ने सबसे बड़ी गलती की है। ये देखो भाई सारे बच्चे इकट्ठे हो गए हैं, सबको फोटो लेनी है मेरे साथ कैमरा देकर। आप सभी को राम राम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सीरिया लियोन देश की कैपिटल फ्री टाउन से। हेलो हाउ आर यू? थैंक यू सर। लंदन? यस कुमार। आई डोंट अंडरस्टैंड। ये इंग्लिश। व्हाट इज योर नेम? भाई आप देख सकते हो कितने अच्छे लोग हैं सीरिया लियोन के। वीडियो शुरू करते ही लोग मिलना शुरू हो गए, बातें करने लग गए। आज का हमारा सफर शुरू हो गया है भाई डायमंड सिटी की तरफ। यहाँ पर आपको मैंने काफी बार बताया है कि इस कंट्री के अंदर काफी डायमंड निकलता है, तो हम जा रहे हैं इनकी डायमंड सिटी के नेमा के अंदर, जो कि इस देश की सबसे स्पेशल सिटी है, क्योंकि वहीं से पूरा जो सीरिया लियोन का डायमंड का जो ट्रेड है वहीं से होता है। सबसे पहला जो डायमंड ट्रेड सेंटर इस कंट्री में बना था 1959 के अंदर, केनेमा सिटी के अंदर ही बना था। उस सिटी से लार्जेस्ट अमाउंट में डायमंड तो नहीं निकलता, दूसरे नंबर पे निकलता है, लेकिन उनका डायमंड का सारा जो ट्रेड है उसी सिटी से होता है। आज हम बस लेकर वहां पर जाएंगे और आपको पूरा डायमंड की माइन वगैरह दिखाएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपको मैं सफर दिखाऊंगा कैसे हम पहुंचेंगे वहां पर। अभी हम पहुंच गए बस स्टेशन। बस स्टेशन पहुंचते ही केओस शुरू हो गया था यहां पर, वो क्लिप मैं इसी वीडियो में डाल दूंगा, वो आप देख लेना इसके बाद, और फिर अपना सफर अपा शुरू करते हैं। जो केनेमा सिटी है वो लगभग यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है और हमें लगभग गूगल मैप दिखा रहा है 4.5 घंटे। तो भाई वैसे देख लो अफ्रीका में जो गूगल मैप दिखाता है उतना टाइम तो लगता नहीं है, तो देखेंगे अब जब भी हम पहुंचेंगे। ये जो सामने आप बस देख रहे हो इस बस में हम बैठ कर जाएंगे। ये बस हमसे किराया ले रही है 150 लियोन एक बंदे का, जो कि इंडियन करेंसी में एक बंदे का होता है 600 रुपए। सो हम दो बंदों का लगभग 1200 रुपए पे करेंगे सिर्फ 300 किलोमीटर का। तो काफी ज्यादा बस जो है यहाँ पर महंगी है, आपको पता ही है। अब थोड़ी देर हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि यार अफ्रीका के अंदर बस तभी हिलती है तब पूरी बस फुल हो जाती है। वैसे तो हमसे ये बैग का पैसा भी अलग मांग रहे थे, लेकिन हमने मना कर दिया। और यहाँ पर क्या है कि बारिश का सीजन चल रहा है अभी, तो इसीलिए बैग को प्लास्टिक के अंदर डालना पड़ता है, उसके अलग से खर्चा हो जाता है। 40-50 रुपए का प्लास्टिक अलग से खरीदना पड़ता है बस में सफर करने के लिए, बैग को कवर करने के लिए। तो चलो भाई अपना सफर शुरू करते हैं। भाई बस स्टेशन पहुंचे हैं और ऐसी हालत हो गई है कि बंदे देखो चारों तरफ ऑटो के खड़े आ गए हैं, देख सकते हो आप। मतलब कि क्या करें, अब उतरने भी नहीं दे रहे हैं हमें, कह रहे हैं कि कहाँ जाना है कहाँ जाना है कहाँ जाना है। आप देख सकते हो कितनी भीड़ हो चुकी है भाई। स्मॉल कार 150, 150। आप सभी को पता ही है भाई अफ्रीका में ऐसा ही होता है, ऑटो से उतरने भी नहीं देते और बैग उठाकर भाग जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा लेकर कहाँ जा रहे हैं बैग, क्या करें भाई। आप देखो ये हालत है। अब पता नहीं भाई वो बैग लेकर कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे बैग के साथ, कुछ नहीं पता। उनको ये भी नहीं पता कि हम जा कहाँ रहे हैं और फिर भी बैग उठाकर ले गए। बस इनको ये मतलब है कि हमें कोई ना कोई कमीशन बन जाए बस हमारा। चलो भाई अब देखते हैं कहाँ लेकर जा रहे हैं। चलो एक तो शुक्र है कि मेरे को बैग नहीं उठाना पड़ेगा, वही बहुत अच्छा है, क्योंकि कम से कम 16-17 किलो का बैग है। ये देखो भाई आपको पता है ये यहाँ की बसों में पानी जाता है और ये प्लास्टिक खरीदना पड़ेगा, आप देख सकते हो भाई। एक तो ना यार ये चिल्लाते बड़ा है यार, मेरे को ये समझ नहीं आती कि इतना चिल्लाते क्यों है। ठीक है अब ये बैग प्लास्टिक में डालना पड़ेगा, लेकिन चिल्लाने की क्या जरूरत है, बहुत चिल्लाते हैं यार। बस का सफर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत आसपास का एरिया भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि अफ्रीका में बस स्टेशन के आसपास आपको ऐसी छोटी छोटी स्टालें लगी हुई बहुत दिखती है, जहाँ पर आपको फोन के चार्जर वगैरह
और कुछ खाने पीने का सामान जो कि लोग बस में ट्रैवल करते हैं। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस की है, आपको मक्की भी मिल जाएगी इस कंट्री में। वेस्ट अफ्रीका में आपको इतनी ज़्यादा मक्की खाने को, रोस्टेड मक्की बहुत कम मिलती है, जैसे कि इंडिया में आपको हर जगह मिल जाती है। यहाँ पर अभी बारिश का सीजन है तो मक्की आई हुई है। वैसे मैंने और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में इतनी ज़्यादा मक्की नहीं देखी। सकते हो बस स्टेशन कहीं का भी हो, आपको उसके आसपास का एरिया बिल्कुल गंदा ही मिलता है अफ्रीका में, आप देख सकते हो। इसी तरह लोग जो है, कोई भी गाड़ी यहाँ पर आती है तो सब भागने लग जाते हैं। सबको ये लगता है कि कोई ना कोई बंदा कहीं तो जा ही रहा होगा, उसका बैग उठाकर भागने लग जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ इस कंट्री के बारे में। हम डेली सुबह सुबह होटल से निकलते हैं वीडियो बनाने के लिए, उससे पहले मेरी आदत क्या है, मैं कॉफ़ी पीता हूँ। और इंडियंस को आपको पता ही है, कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी पीने की तो आदत है नहीं, इंडियंस को आदत है दूध वाली कॉफ़ी पीने की। लेकिन इस कंट्री में आपको दूध मिलेगा ही नहीं, कहीं पूरी कंट्री में आपको कहीं पर दूध नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर गायें वगैरह लोग रखते नहीं हैं, और जो रखते हैं वो सिर्फ मीट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको दूध मिलेगा लेकिन सिर्फ पाउडर वाला मिल्क। आप कहीं पर भी चले जाना, कितने महंगे होटल में, कहीं पर भी, यहाँ तक कि जो इंडियंस हमें मिले थे वो भी बता रहे थे कि सबसे बड़ी दिक्कत हमारे लिए इस कंट्री में दूध की है, हमें बच्चों को पाउडर वाला दूध पिलाना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि नेचुरल दूध यहाँ पर है ही नहीं पूरी कंट्री में। लगभग 2 बजे के आसपास हम यहाँ बैठे थे, बस में सामान रख दिया था 2 बजे, और अभी 4:30 हो चुके हैं और अभी तक कोई मौसम नहीं है कि कोई, मतलब कि ऐसा भी नहीं लग रहा है कि बस अभी चलेगी, अभी तक बस फुल्ली नहीं हुई है, सिर्फ 4 लोग हैं बस के अंदर भाई। और इसीलिए हम यहाँ पर आ गए थे, थोड़ा सोचा कुछ खाना पीना कर लेते हैं, पानी वगैरह खरीद लिया उधर से, भुट्टा वगैरह खरीद लिया, सब कुछ खा पी लिया हमने भाई, लेकिन बस तो चलने का नाम ही नहीं ले रही है। बस ठीक है, शहर का मौसम अच्छा है तो थोड़ा टाइम पास हो रहा है, थोड़ा बहुत एक वीडियो वगैरह इसमें देख रहे हैं फ़ोन में, और तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है भाई यार। अब तो हम ड्राइवर से पूछते भी नहीं है कि भाई कब चलेगी, बस हमें पता है कि जब फुल होगी तभी चलेगी। ड्राइवर बोलेगा आधा घंटा घंटा, तो उसकी तो सुनने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मन और ज़्यादा ख़राब होता है। इससे अच्छा आराम से बैठो, कुछ देखने लग जाओ, जब वो चलेगी बस अपने आप वो बुला लेता है। लगभग 3 घंटे वेट करने के बाद फाइनली हमारी बस निकल चुकी है। शाम के 5:10 हो चुके हैं। हमने सोचा था कि आपको रास्ते में अच्छे अच्छे व्यू दिखाएंगे, क्योंकि कंट्री इतनी ज़्यादा सुंदर है, यहाँ पर अच्छे सुंदर सुंदर पहाड़ भी है कंट्री में, लेकिन आप पता नहीं भाई आपको दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि शाम के 5 तो पहले ही बज चुके हैं। और एक चीज़ और भाई, मैंने आपको बताया है काफ़ी बार, अफ्रीका में लोग है ना चिल्लाते बहुत हैं। आप सही बताऊँ, मैं यहाँ बैठा हूँ और जो पीछे अंटियाँ बैठी है ना, इतना तेज़ तेज़ चिल्लाए जा रही है, मतलब कि इनकी आवाज़ भी बहुत तीखी आपके कानों में लगती है डायरेक्टली यार, मतलब तंग हो जाता है बंदा। पहले तो 2.5-3 घंटे यहाँ पर वेट किया, उसके बाद ये चिल्ला रहे हैं। चलो भाई आपको रास्ते में व्यू दिखाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर व्यू आते हैं इस कंट्री के अंदर। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये सामने आप घर देख रहे हो ना, ये इनका आर्किटेक्चर, इसको क्रियो आर्किटेक्चर बोलते हैं, और सबके सब घर इस देश में आपको इसी आर्किटेक्चर से बने हुए मिलेंगे। आज देखो इनकी जो बालकनी होती है, बाहर पिलर बनाते हैं और पिलर के ऊपर भी ना बालकनी में ये गोल गोल राउंड करते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर बने हुए हैं, ये देखो ये नया घर बन रहा है तो भी देखो बाहर पिलर और फिर ऊपर से राउंड, ये इनका स्पेशल आर्किटेक्चर है। मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर जो लोग है वो अलग अलग देशों में से फ्री कर लाए गए थे, इस जगह पर बसाए गए थे। जो लोग यहाँ पर लाए गए थे वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप से लाए गए थे, तो इन्होंने मिक्स होकर स्पेशल अपना एक आर्किटेक्चर बना लिया। जैसे कि इन्होंने अपनी लैंग्वेज भी बनाई थी सबने मिक्स करके, क्रियो लैंग्वेज, वैसे ही इन्होंने एक आर्किटेक्चर भी बना लिया था, जिसे ये क्रियो आर्किटेक्चर ही बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आज के दिन भी ये देख सकते हो आप, नए घर भी जो है इसी तरह बनते हैं। इनकी बालकनी आप देखोगे, वो सबकी बालकनी में पिलर लगे हुए और राउंड शेप में दिखेंगे। ये देखो यहाँ पर पिलर है बाहर बालकनी में और ऊपर से राउंड।
ये सामने जो आप देख रहे हो ये हमारी बस है। फाइनली हम बो सिटी में पहुंच गए हैं, जो कि सीरिया लियोन की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है कैपिटल के बाद फ्री टाउन। हम जा रहे हैं तीसरी सबसे बड़ी सिटी जो कि केनेमा है, और यहाँ पर थोड़ी देर रुके हैं, पानी वगैरह ले लिया है। आपको रास्ते में मैंने बताया कि काफ़ी बार मिलिट्री वगैरह आती है, तो बीच में क्या हुआ, मिलिट्री आई एक जगह और आपको मैंने बताया कि इस कंट्री में डायमंड इतना निकलता है और उसकी स्मगलिंग भी काफ़ी होती है, तो इसलिए मिलिट्री के चेक पोस्ट आपको हर जगह मिलेंगे। लेकिन मैं वहाँ पर उतरा तो मैं साइड में खड़ा होकर वीडियो बना रहा था, तो क्या हुआ कि आर्मी वाले कहते तू वीडियो कैसे बना रहा है ये वो, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बहस हो गई हमारी। वो कह रहे कि मेरा फ़ोन छीनने लगे आर्मी वाले, तो मैंने कहा भाई फ़ोन क्यों छीन रहे हो, तुम बताओ अगर तुम चाहते हो तो मैं डिलीट कर देता हूँ, कम से कम रिस्पेक्ट से बात तो करो। तुम्हारी कंट्री में टूरिस्ट थोड़ी आएंगे, हम टूरिस्ट आ रहे हैं इतनी दूर से और तुम हमारे साथ ऐसे बात कर रहे हो। काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो गया, कहता है तुम ये कैसे वैसे। मैंने कहा भाई यार चुप कर, मैं कहता तुम पैसे के लिए रोकते हो हमें और दिक्कत करते हो, और तुम्हारी पुलिस भी ऐसी है जगह जगह हमें रोक कर पैसे ले रही है, तू कह रहा है। फिर वो कहता हमारे पुलिस पर तुम इल्ज़ाम कैसे लगा रहे हो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। मैंने कहा भाई तू चल मेरे साथ बिना वर्दी के, 5 मिनट तू चल सामने, जो भी पुलिस वाला आएगा पैसे पकड़ा लेगा। फिर मैंने बोला कि हमारे ड्राइवर ने मेरी आंखों के सामने पुलिस वाले को पैसे दिए हैं। कहता तू ऐसे इल्ज़ाम लगा रहा है ये वो, और फिर ड्राइवर को बोलने लग गया तू इसको क्यों सपोर्ट कर रहा है, ये हमारी कंट्री में आकर अपने पे इल्ज़ाम लगा रहा है ये वो। काफ़ी दिक्कत हो गई थी वहाँ पर। फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो यार, फिर मैंने बोला कि ठीक है भाई सॉरी गलती होगी, डिलीट कर देते हैं वीडियो। फिर वो मान गया। और ये सामने आप देखो भाई, हमारी गाड़ी पहले ही इतनी ज़्यादा भरी हुई है, और भाई देख लो इसके ऊपर ड्रम वगैरह और रखे जा रहे हैं। भाई अफ्रीका में एक चीज़ तो है, ये गाड़ी को ना अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि जूस निकाल देते हैं। मैंने आज तक कभी इंडिया में तो नहीं देखा कि भाई इतना सामान भर कर कोई गाड़ी में लेकर जाए, भाई कमाल है ना मतलब। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं भाई, रात के बज चुके हैं 11 और हम 2 बजे बस स्टेशन आए थे, आप देख सकते हो तो क्या टाइम हो गया। वैसे सही बताऊं तो भाई 4-4.5 घंटे का रास्ता होना चाहिए था, हम 7 बजे अंधेरा होने से पहले किनेमा पहुंच जाने चाहिए थे, लेकिन अभी रात के 11 बज गए हैं और रात के 12 तो आराम से बच जाएंगे, 1-1.5 घंटा तो अभी और लगेगा क्योंकि बस काफ़ी ज़्यादा रास्ते में रुक रही है। और टाउन भी मैं आपको दिखाने की सोच रहा था, मेरे को ये भी आपको व्यू भी दिखाने थे इस कंट्री के, पहाड़ भी दिखाने थे, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं दिखा पाया। और एक चीज़ भाई मेरे को इस कंट्री में बिल्कुल पसंद नहीं आई, यहाँ पे लोग चिल्लाते बहुत ज़्यादा है, मतलब कि किसी से भी प्यार से बात नहीं करते हैं, और इतना तेज़ इसने म्यूज़िक चला रखा है भाई ने, और अभी भी आप देख सकते हो सामने भी भाई चिल्लाए जा रहा है। देख लो किस तरह बस भरी हुई है, मतलब कि आप पीछे देखो एक बार भाई, आपको फिर समझ आएगा, मतलब कम से कम 5-6 फुट बाहर सामान निकला हुआ है और फिर भी भाई और सामान डाले जा रहा है इसके अंदर। फाइनली भाई हम केनेमा सिटी में पहुंच गए हैं, आप देख सकते हो हमारी बस फाइनली खाली हो रही है, पीछे से सामान उतार रहे हैं। भाई खतरनाक बस ड्राइवर था हमारा, इतना सामान लोड करके लेके आया है। रात के बज चुके हैं भाई 12, फाइनली पहुंच गए, और फिर भी आप देख सकते हो काफ़ी लाउड स्पीकर रात को 12 बजे भी बज रहे हैं। और आप जो ये मेरे पीछे बाइक वाले देख रहे हो ना भाई, उतरने भी नहीं देते, मतलब पीछे पीछे, मतलब इनका कोई बंदा रिप्लाई भी ना करे ना, पीछे पीछे चलते रहेंगे। चलो अभी कोई होटल बुक तो करवाया नहीं हमने, कोई होटल वगैरह ढूंढते हैं, फिर देखते हैं कोई आसपास होटल मिलता है, क्योंकि ऑनलाइन booking.com पे हमने चेक किया है सिर्फ एक ही होटल है, वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगा, $50 का। वैसे तो भाई डायमंड सिटी है, महंगा ही मिलेगा होटल। देखते हैं कोई आसपास दिखा रहा है गूगल मैप पे कैपिटल नाम का होटल, वहाँ चलते हैं, ठीक लगा तो वो बुक करा लेंगे, क्योंकि यार ज़्यादा महंगा तो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि एक रात ही रुकना है हमें वैसे तो इस सिटी में, एक डायमंड वाली वीडियो बनाकर निकल जाना है। कल सुबह मैं आपसे मिलता हूँ होटल वगैरह लेने के बाद। फाइनली भाई एक होटल मिल गया, होटल पालमा, आपको मैं दिखा देता हूँ। लगभग आधे घंटे इधर उधर धक्के खाने के बाद फाइनली होटल मिल गया भाई। लगभग 3-4 होटल में गए, एक तो बंद पड़ा था, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था उस होटल के अंदर, और 2 होटल बिल्कुल टोटली फुल थे। और ये भाई मिले यहाँ पर, ये हमारे लिए रात को अंडा बना के दे रहे हैं, एग सैंडविच, ओके यू आर मेकिंग फॉर अस नाउ, थैंक यू सो मच ब्रदर। हैं चलो मैं आपको थोड़ा सा रूम दिखा देता हूँ, ये होटल मुझे पड़ा है $50 का। ऐसा कुछ बाहर का एरिया दिखता है मेरे होटल का। रात को 12:30 हो चुके हैं और आपको मैं होटल का रूम दिखा देता हूँ। हमें होटल का रूम मिला है 99, काफ़ी ठीक ठाक रूम है, आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया सा बेड मिल गया, एसी भी है। थोड़ा सा मैं आपको बाथरूम भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो कुछ ऐसा बाथरूम है, ठीक ठाक रूम मिल गया। सही बताऊँ
$50 के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से कंपेयर करोगे तो भाई ठीक ठाक ही है। अगर इंडिया में तो $50 में बढ़िया 3-स्टार 4-स्टार होटल मिल जाता है, ये एक तो नॉर्मल सा होटल है। और भाई अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है वीडियो बनाने की। अब देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई, हमें भी मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट कर दोगे तो और भी अच्छा। आप देखो रात के 12:30 हो चुके हैं और अभी सो नहीं पाएंगे, हमें वीडियो एडिट भी करनी है क्योंकि लोग डेली कमेंट करते हैं वीडियो पे कि रोज़ वीडियो डाला करो भाई। अब रोज़ आप खुद बताओ कैसे डालें यार, कब से 2 बजे से चलकर रात को 12 बजे पहुँचे हैं और अब वीडियो एडिट करेंगे, सुबह 5-6 बजे सोएंगे और फिर 10 बजे उठकर फिर वीडियो बनाने जाएंगे। तो आप खुद सोच लो डेली वीडियो डालना तो पॉसिबल नहीं है। अगले दिन की सुबह हो गई है, ये जो है मेरा होटल का कंपाउंड है। अभी निकलते हैं बाहर और आपको डायमंड सिटी यहाँ की दिखाते हैं कैसी दिखती है डायमंड सिटी। और ये जो होटल जो मुझे मिला था, मैंने आपको रात को बताया था $50 का, लगभग इंडिया के 4,000 रुपये का। तो आप सोचोगे कि भाई यहाँ पर होटल वगैरह जो है इतने महंगे क्यों हैं, कि ऐसी क्या ये अलग फैसिलिटी दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस देश के अंदर सिर्फ जो 26% लोग हैं उनके पास इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस है, सिर्फ 26%। ये मान लो कि 100 में से सिर्फ 26 लोग ही इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि पहली बात तो इस कंट्री के पास इतनी इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं और जनरेट भी नहीं कर पाते हैं। और अगर कई कंट्री क्या होती है, वो जनरेट नहीं कर पाती है लेकिन दूसरे देश से पैसे देकर खरीद लेती है, लेकिन इस कंट्री के पास इतना पैसा ही नहीं है। वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री ये कंसीडर की जाती है, तो इसीलिए ये जो कंट्री है प्रोवाइड नहीं करा पाती है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए जो होटल्स वगैरह है इतने महंगे हो जाते हैं, क्योंकि उनको जनरेटर चलाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ती है लोगों को सर्विस देने के लिए। तो इसीलिए जो होटल के प्राइस है इतने ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो 26% का नंबर मैंने बताया है वो है सिटीज़ के अंदर, सिटीज़ के अंदर। लेकिन अगर आप गाँव की तरफ जाओगे तो भाई सिर्फ 5% लोगों के पास ही इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस है, जो कि इंडिया में 100 साल पहले भी नहीं होता था। तो मान लो कि आप जैसे आप इंडिया में देखते थे ना भाई, कि एक घर में टीवी हुआ करता था, उसी में बिजली हुआ करती थी और पूरे गांव वहीं इकट्ठा होकर टीवी देखा करता था, तो आज के दिन भी इस कंट्री के अंदर वही हाल है। आप सोच के देखो, अगर 100 लोग गांव में रहते हैं तो सिर्फ 5 लोगों के पास बिजली है और फ़ोन वगैरह लोग यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, और चार्ज भी किसी के पास है भी फ़ोन तो वो, जैसे मान लो कि एक दुकान है जिसने सोलर वगैरह लगा रखे हैं तो उस पर जाकर वो फ़ोन वगैरह चार्ज करते हैं। तो चलो भाई चलते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, ये पूरी सिटी दिखाते हैं। आप देख सकते हो कुछ ऐसा हाल है इस सिटी का, सिर्फ जो मेन रोड है वही आपको पक्की दिखेगी, बाकी आप कहीं भी घुस जाना इस सिटी के अंदर। वैसे तो डायमंड सिटी बोली जाती है लेकिन रोड वगैरह जो है वो सारी कच्ची है। ये सामने जो गली देख रहे हो इसके अंदर मेरा होटल था, मैं सिर्फ 100 मीटर चलाऊँगा और सामने देखो आपको डायमंड ऑफिस दिखेगा, हर जगह पूरे डायमंड बने हुए हैं। इसीलिए भाई ये सिटी जो है डायमंड के लिए फेमस है, इतनी छोटी छोटी मार्केट, छोटी छोटी रेड़ियाँ भी यहाँ लगी हुई है। तो सब कुछ आपको दिखाते हैं, इस गली में चलते हैं। यहाँ पर एक लोकल भाई हमें मिले थे, वो कह रहे थे कि इस साइड चले जाओ, इस गली में आपको बढ़िया सी मार्केट दिखेगी। तो पूरी मार्केट आपको मैं दिखाता हूँ। और एक इस कंट्री की मेरे को स्पेशल चीज़ लगी भाई, कल भी मैंने आपको हमारी बस फुल टकाटक भरी हुई दिखाई थी, तो यहाँ पर भी देखो भाई किस तरह छोटी छोटी गाड़ियाँ जो है लोग ऊपर तक दबा के भरकर लेकर जाते हैं भाई, मतलब कि जूस निकाल देते हैं गाड़ियों का। आप देख सकते हो इस गाड़ी की इतनी बुरी हालत है और फिर भी ये गाड़ी इतना लोड लेकर चलती है, और हम क्या करते हैं नई गाड़ी खरीदते हैं उसमें से प्लास्टिक भी नहीं उतारते हैं। और यहाँ के लोग भाई पूरा प्रॉपर जो यूज होता है ना गाड़ी का, यही लोग करते हैं भाई, पूरा जूस जो बोले ना भाई सही बोले, पूरा जूस निकाल देते हैं और जितने की गाड़ी लेते ना भाई वो तो पूरा निचोड़ के लोग भाई, क्या $1,000 की भी ये गाड़ी नहीं लेते होंगे, $1,000 मुझे लग रहा है ये 2 महीने में कमा लेते होंगे। देखो ना टेम्पू का माल पूरा लगा है। हाँ ये देखो भाई इसमें भाई ये माल ऐसा नहीं है कि हल्का है, ये बहुत भारी भारी माल है। और इस गाड़ी की हालत आप देख सकते हो, और इस पे भी ये कवर करके लेके जाएंगे क्योंकि अभी क्या है बारिश का सीजन चल रहा है, आपको मैंने पहले भी दिखाया था। तो बारिश के सीजन में आपको पता ही है काफ़ी तेज़ बारिश होती है, तो यहाँ पर कवर करके लेके जाना पड़ता है। सारी गाड़ियाँ ही ऐसी है भाई, कोई भी गाड़ी है ना, एक गाड़ी में अगर 10 सवारी बैठती है ना, अगर 9 सवारी भी बैठी है तो गाड़ी हिलेगी नहीं। गाड़ी तभी हिलेगी जब ऊपर से फुल अंदर से फुल तभी। और भाई गाड़ी हिला भी लिए ना अगर, लोगों के प्रेशर में लोग चिल्लाते हैं कि भाई जल्दी निकालो, तो रास्ते भर रोकेंगे कि भाई कोई मिल जाए और सवारी मिल जाए। और भाई कई बार तो ऐसा करते हैं टाउन में आगे ले जाकर 2-3 चक्कर कटवा कर सवारियों को ऐसे लग रहा है कि गाड़ी चल पड़ी है,
लेकिन वहीं पर वापस ले आते हैं फिर घुमा फिरा कर। ये यहाँ स्पीकर देखो ना, ले लेके घूमते रहते हैं भाई। ये देखो भाई, एक चीज मैंने देखी है यहाँ पर ना, जो सीडी वगैरह है, जो कैसेट इंडिया में 20 30 40 साल पहले जो कैसेट वगैरह बिकती थी ना, यहाँ पर बच्चे ऐसे कैसेट लेकर चलते हैं, स्पीकर लेकर चलते हैं और ये कैसेटे बेचते हैं। ये चीज देख कर भी ना थोड़ा ऐसा लगता है, फील आता है कि भाई यार हम कोई पुरानी चीजें देख रहे हैं जो हमारे माँ बाप ने देखी थी उस समय में। मतलब वो हमारे पेरेंट्स भी बताते हैं कि हम जाते थे सीडियां खरीदने, लेकिन आज के दिन तो इंडिया में कहाँ ही कोई सीडियां खरीदेगा यार, सबके पास मोबाइल है। आप जो ये सामने गली देख रहे हो, ये ना बिल्कुल लोकल गली है यहाँ की। आप देख सकते हो यहाँ के घर, ये जो छोटे छोटे आपको कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, ये यहाँ की दुकानें हैं। और एक चीज मैंने नोटिस की है कि यहाँ के लोग है ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं हमें देखकर वीडियो बनाते हुए। हाउ आर यू? फाइन। हेलो। ये देख सकते हो बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, सब हेलो मिलाने की कोशिश करते हैं। देख सकते हो कि आपको पता ही है यार, यहाँ पर कौन यूट्यूबर आता होगा कि बच्चों को थोड़ी एक्साइटमेंट होती है कैमरा देखकर, आपको पता ही है। मैं आपको एक मेन चीज बताने की कोशिश कर रहा था, आप अंदाजा लगा ही सकते हो सामने देखकर कि इन घरों की हालत जो है काफी ज्यादा खस्ता ही है, थोड़ी खराब ही हालत है। लेकिन आप यार विश्वास नहीं कर पाओगे कि इस जगह से पूरी कंट्री का जो है सबसे ज्यादा डायमंड एक्सपोर्ट होता है। लेकिन हालत देखो, क्योंकि यार देखो डायमंड वगैरह जो चीज़ें हैं ना वो अमीर लोगों की है, और यहाँ के लोगों को कुछ भी नहीं मिला। और ये वही सिटी है जिसमें वॉर चला था 1991 से 2002 तक, लगभग 11 सालों तक लगभग 1,00,000 से ज़्यादा लोग जो है वो इस वॉर के अंदर मरे थे। इन लोगों को कुछ भी नहीं मिला। मतलब आप सोच के देखो यार कि और कई देश में ऐसा होता कि जहाँ से डायमंड निकलता है उन लोगों की हालत ऐसी होती। इनको तो मतलब डायमंड जो है पूरी दुनिया की सबसे प्रीशियस चीज़ है, और वो इस जगह से निकलती है। और आपको कहीं पर भी ऐसा देखकर लगेगा नहीं भाई इनकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी क्यों है, सिर्फ इनकी गवर्नमेंट, जो गोरे लोग पहले आए थे जो इल्लीगल ट्रेड करते थे, जो इल्लीगली यहाँ से डायमंड निकाल कर दूसरी कंट्रियों में एक्सपोर्ट कर दिया। एक टाइम ऐसा होता था जब सीरिया लियोन जो कंट्री है ना उसके अंदर सबसे ज़्यादा डायमंड निकलता था, और वो जो सारा डायमंड है ना वो यहाँ पर तो बिक नहीं पाता था क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट भी स्टेबल नहीं थी, मिलिट्री का राज था। तो लोग इल्लीगली क्या करते थे, वो लाइबेरिया लेकर चले जाते थे डायमंड इल्लीगली, बकरी के अंदर डाल डाल कर, बकरी को काट कर उसमें डाल कर उसका ऑपरेशन करके उसको ले जाते थे दूसरी लाइबेरिया कंट्री में, और वहाँ से एक्सपोर्ट होता था। एक टाइम ऐसा था कि जब लाइबेरिया से इतना ज़्यादा डायमंड एक्सपोर्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ से 1% भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, सारा जो डायमंड है इल्लीगली लाइबेरिया में चला गया। मैं आपको बता रहा था कि भाई यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो है ये कैसेट बेचते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितने की कैसेट बेच रहा होगा और कौन कौन सी मूवी, इंडियन मूवी, यू हैव इंडियन मूवी, बॉलीवुड, यू हैव इंडियन मूवी, नो, विच मूवी दिस आर, दिस इज़ फ्रॉम नाइजीरिया, नाइजीरिया। भाई यहाँ पर ना वेस्ट अफ्रीका में क्या है कि आपको नाइजीरियन मूवी ज़्यादा पॉपुलर मिलेगी, जो ईस्ट अफ्रीका है वहाँ पर इंडियन मूवी ज़्यादा पॉपुलर है। हाउ मच इज़ दिस वन? 10 लियोन्स। भाई 10 लियोन की है, मतलब ये 40 रुपये की कैसेट है। ऑल आर 10 लियोन्स? वन टेन लियोन। सब भाई 40 रुपये की। आप देख सकते हो बच्चे ऐसे छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। हाउ ओल्ड आर यू ब्रदर? 15। आप देख लो 15 साल का बच्चा है। तो ये हालत है यहाँ की, इसीलिए मैं आपको रियलिटी दिखाना चाहता हूँ कि यार यहाँ पर गवर्नमेंट वगैरह जो है काम वगैरह बिल्कुल नहीं करती, डायमंड इतना निकलता है, इन बच्चों को कुछ नहीं मिलता है, कोई स्कूल प्रोवाइड नहीं करवाती है, कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाती है गवर्नमेंट, और बच्चों को जो है इस तरह सामान बेचना पड़ता है। ये भाई व्हाट आर यू सेलिंग? कॉर्न। ये देखो ये बच्चा कॉर्न सेल कर रहा है। यू सॉक्स? ये लड़की जो है सॉक्स सेल कर रही है, ये बच्चा कॉर्न सेल कर रहा है। आप देख सकते हो सारे जो बच्चे हैं हमारे चारों तरफ इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये देखो भाई सारे बच्चे इकट्ठे हो गए हैं, सबको फोटो लेनी है मेरे साथ कैमरा देखकर, क्योंकि मुझे नहीं लगता भाई इस टाउन के अंदर कोई भी यूट्यूबर वगैरह कोई बंदा वीडियो बनाने आता है, तो इसीलिए सारे बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड हुए हैं। हेलो, हाउ आर यू? चलो भाई चलते हैं मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। बच्चे बड़े खुश हैं, बड़े प्यारे लोग मिले यार इस मार्केट में। मतलब मैं कब से वीडियो बना रहा हूँ कोई रोक नहीं रहा, सब इकट्ठे हो गए हैं। आप सामने भी आपको मैं दिखाऊं तो ये देखो कितने सारे बच्चे जो है इकट्ठे हो चुके हैं।
भाई यहाँ पर बच्चों को हमने सबको पॉपकॉर्न खिला दिए तो बच्चे बड़े खुश हो गए हैं, इसलिए हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं, आप देख सकते हो सब बच्चे। चलो अभी थोड़ी सी भाई मार्केट में आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो मार्केट की हालत तो काफ़ी ज़्यादा बुरी है। इन्होंने पत्थर के ऊपर कपड़े वगैरह लगा कर रखे हुए हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था भाई, जैसे यहाँ पर जो भी सामान मिलेगा ना आपको सारा चाइना मेड मिलेगा। ये देखो मेड इन चाइना लिखा हुआ है, शंघाई चाइना। ये जो सारी चीज़ें हैं ना आपको चाइनीज़ मिलेगी सारी की सारी। टोटल जो अफ्रीकन जो मार्केट है ना वो वहाँ पर चाइना डोमिनेट करता है भाई, उसका कोई मुकाबला नहीं है। सिर्फ जो इंडियन बाइक्स है वो अफ्रीका में डोमिनेट करते हैं, और बाकी जो छोटे छोटे जितने भी प्रोडक्ट है ना सब में चाइना आपको मिलेगा। चलते चलते मैं आपको मार्केट दिखा देता हूँ और साथ में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ इस कंट्री के बारे में। सीरा लियोन जो देश है ना इसमें 90 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, और इस सिटी की केनेमा सिटी में लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास लोग रहते हैं। तीसरी सबसे बड़ी सिटी है, मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन मैंने आपको बताया कि इस कंट्री में डायमंड काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं, लेकिन जो एक्सपोर्ट होता है वो डायमंड का लगभग जो है 70% एक्सपोर्ट ये डायमंड का करते हैं, जो सबसे ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई इनकी जो इकोनॉमी है वो डायमंड पे डिपेंड करती है, नहीं, इनकी जो इकोनॉमी है वो लगभग 60 से 65% जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर से है। और इस सिटी में स्पेशली कॉफ़ी, कोकोआ और पाम ऑयल सबसे ज़्यादा निकलता है, इसीलिए आपको यहाँ पर मार्केट में सब्जियाँ वगैरह मिलती हुई काफ़ी ज़्यादा दिखेगी। लेकिन आजकल लोगों ने क्या शिफ्ट कर दिया, क्योंकि एग्रीकल्चर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, हार्ड लेबर है, इसीलिए लोगों ने क्या किया यहाँ पर ये चाइनीज़ प्रोडक्ट बेचने शुरू कर दिए। ज़्यादातर माल आपको चाइना से ही दिखेगा, थोड़ा बहुत माल इंडिया से भी दिख जाएगा। और यहाँ पर लोग फैशन का बड़ा ध्यान रखते हैं यार, आप देख सकते हो कैसी कैसी ड्रेस आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा फैशन पर पैसा खर्च करते हैं। मतलब कि अफ्रीका में आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन दो चीज़ अफ्रीका में जो लोग हैं ना सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं वो है फैशन और दूसरा ड्रग्स भाई, वो मैंने आपको बता ही दिया पिछली वीडियो में। और यहाँ पर भी लोग, इस सिटी में भी जो लोग हैं ना काफ़ी ज़्यादा एडिक्ट दिखेंगे आपको, जो इधर उधर नाले में पड़े हुए दिखेंगे आपको, जो बिल्कुल बेहोश की हालत में है। तो इसीलिए हम ज़्यादा आपको शूट नहीं कर रहे, क्योंकि यार किसी की लाचारी क्या ज़्यादा दिखानी है, एक वीडियो अच्छे से हमने बनाकर आपको दिखाई दिया। भाई ये जो सामने आपको स्पीकर दिख रहा है ना, ये यहाँ पर लाकर चाइना ने सबसे बड़ी गलती की है। मैं बताता हूँ क्यों की है भाई। पहले ही जो लोग हैं ना अफ्रीका में इतना ज़्यादा चिल्लाते हैं, इतना ज़्यादा चिल्लाते हैं आप सोच नहीं सकते। अब इनको ऐसा और मिल गया माइक जिसमें रिकॉर्डिंग है और चलता जाएगा भाई। रात को जो ये बच्चे जा रहे होते हैं ना अपने ये बास्केट, जैसे कि आप देख सकते हो ये बच्चे जो जा रहे हैं सर पर बास्केट रख कर सारा सामान बेचते हैं, सामने भी आप देख सकते हो, तो ये क्या करते हैं इसके अंदर ये स्पीकर रखे रखते हैं। रात को 12 बजे भी चल रहे हैं किसी के घर के बाहर से तो शोर मचा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ मैंने देखी, आप कितना ही लाउड म्यूजिक बजा लो अफ्रीका में, कहीं पर भी बजा लो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बंदा भी आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई क्यों शोर मचा रहे। रात में 1, 2, 3 बजे कब मर्जी, कहीं भी, कभी भी, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को। कल भी हमने, कल रात को जब हम होटल ढूंढ रहे थे भाई, बार के अंदर डिस्को के अंदर इतना तेज म्यूजिक बज रहा है, यहाँ तक कि होटल के अंदर उन्होंने डिस्को बना रखा है उसके भाई। ये जो बजाते हैं ना उससे तेज तो इनकी खुद की आवाज आती है, इसलिए इनको नॉर्मल लगता है। सच में नॉर्मल लगता है भाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप सोच के देखो ये जो लोग है वो यहाँ पर लगभग दिन में 12 घंटे बैठते हैं और 12 घंटे कंटिन्यूसली ये स्पीकर चलता रहता है और किसी को कोई दिक्कत ही नहीं। पता नहीं कैसे लोग बने हैं, कैसे इनको बिल्ड क्वालिटी है, इनकी अपनी इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं है भाई, हो गए हैं। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इस कंट्री के अंदर जो नेचुरल दूध है वो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, तो इसीलिए आप देख सकते हो कितने अलग अलग प्रकार का आपको यहाँ पर पाउडर मिल्क देखने को मिलेगा। जैसे कि हम बच्चों को पिलाते हैं इंडिया में पाउडर मिल्क, तो यहाँ देख सकते हो आप सारा जो मिल्क है, और यही मिल्क हमें कॉफ़ी में सुबह मिलाकर पीना पड़ता है। देखो भाई मैं इंडिया से हूँ ना, तो मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं होता है कि कोई पाउडर मिल्क पीता है, क्योंकि यार अपने इंडियंस के मन में, दिमाग में हरियाणा से होकर मेरे मन में, दिमाग में तो यही बैठा हुआ है कि भाई नेचुरल मिल्क ही पीना है, पाउडर मिल्क वगैरह बिल्कुल नहीं पीना है। इसीलिए आजकल हमें सुबह सुबह उठकर ब्लैक कॉफ़ी पीनी पड़ती है इस कंट्री के अंदर। ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है यार, मैं ना पता है क्या, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताना चाहता हूँ कंट्री के, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा छोटी छोटी चीज़ें, इसीलिए हमें मार्केट में घूमते हैं हम कभी बिना वीडियो के, थोड़ा बहुत डिटेल नोटिस करें तो मज़ा आता है छोटी छोटी डिटेल नोटिस करने में। ये जो आप सामने स्क्वेयर देख रहे हो ये इस सिटी का एक इकलौता स्क्वेयर है जो कि बहुत ही मेन है और यहीं से सारे रास्ते निकलते हैं। लेकिन इसके आप पीछे देखोगे तो आपको दिखेगा TVS जो कि है इंडियन ब्रांड,
और जो कि यहाँ की कंट्री के अंदर डोमिनेट करता है। मार्केट वगैरह और ये सिटी तो मैंने आपको काफ़ी दिखा दी, लेकिन एक जो चीज़ है वो मेन है इस सिटी के लिए, जो इस सिटी ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है, जो कि है इबोला। इबोला एक वायरस था जो अफ्रीका में 1976 के आसपास फैला था, जो कि बैट चमगादड़ होता है उससे निकला था और इस कंट्री के अंदर लगभग 2014 से 2016 के बीच में था और लगभग 14,000 लोग इस कंट्री में इबोला वायरस के शिकार हुए थे, उसमें से लगभग 4,000 लोगों की मौत हो गई थी, जो कि 30% लोग होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक वायरस था। कोविड-19 तो आपको पता ही है, जो कि फैला था पूरी दुनिया में फैला था, उसमें से जो डेथ रेट थी सिर्फ 1.9% के आसपास थी, जो कि 2% भी नहीं थी, और इस वायरस के अंदर 30%। और यहाँ पर आपको पता ही है, इन कंट्रियों के अंदर हॉस्पिटल वगैरह की कोई फैसिलिटी तो है नहीं, इसीलिए ज़्यादा लोग यहाँ पर मरते हैं। एक चीज़ मेरे को इस सिटी की काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगी, मैं इतने देशों में गया हूँ लेकिन मैंने आज तक किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल के अलावा कैरोसिन मिलते हुए कहीं पर भी नहीं देखा। आप देख सकते हो सबका सेम रेट है और कैरोसिन भी इस पेट्रोल पंप पे मिलता है, आप देख सकते हो 30 है, तो मतलब इंडिया के 120-125 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल मिलता है, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा है। सामने आप देख सकते हो सीरिया लियोन का झंडा भी लगा हुआ है, जो कि मैं आप स्क्रीन पर भी डाल दूंगा। इनके झंडे में 3 कलर है, ब्लू, व्हाइट और ग्रीन। सबसे पहले जो ग्रीन कलर है इनके झंडे में, वो रिप्रेजेंट करता है इनका एग्रीकल्चर, माउंटेन्स, नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि स्पेशली एग्रीकल्चर और माउंटेन से निकलते हैं। दूसरा जो व्हाइट कलर है वो यूनिटी और जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है, और जो तीसरा कलर है इनके फ्लैग के अंदर ब्लू कलर, जो कि सबसे ज्यादा मेन है, जो रिप्रेजेंट करता है यहाँ के नेचुरल हार्बर को। इस कंट्री का नेचुरल हार्बर पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा नेचुरल हार्बर है। वो क्यों? क्योंकि उसी नेचुरल हार्बर पे इनका पूरा एक्सपोर्ट डिपेंड करता है, क्योंकि जो नेचुरल हार्बर है ना वो पूरी कंट्री में बना हुआ है और वहां पर डीप सीआईसी की वजह से कंट्री के अंदर तक इनकी शिप जा सकती है और वहां से माल उठाकर सीधा एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अलग कंट्रियों में क्या होता है कि पहले ट्रक में भरकर माल पोर्ट पे आता है और फिर एक्सपोर्ट होता है, लेकिन इस कंट्री के अंदर पहले से नेचुरल हार्बर बना हुआ है, तो इन्हें जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है जो कम पड़ती है, इसीलिए इनकी इकोनॉमी में ये एक स्ट्रॉन्ग पार्ट प्ले करता है।